नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनई टीवी। बड़ी खबर अल्मोड़ा के सल्ट से है। दिल्ली से आए एक परिवार की स्कॉर्पियो यहां आज सुबह देघाट जनरल मार्ग में ग्राम तिमली के पास अनियंत्रित होकर पुलिया पर लटक गई। यह देख कार सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। सूचना पर मौके पर पहुंची सल्ट पुलिस टीम ने तत्काल रेस्क्यू कर सभी यात्रियों को सकुशल कार से बाहर निकाल लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार देघाट जनरल मुख्य मार्ग में ग्राम तिमली के पास पुलिया पर स्कॉर्पियो संख्या H487H0296 अनियंत्रित होने के कारण सड़क किनारे लटक गई, जिसमें मुकेश गोस्वामी, नेहा पत्नी मुकेश गोस्वामी 30 वर्ष, शानवी पुत्री मुकेश गोस्वामी उम्र 11 वर्ष, शिवांश पुत्र मुकेश गोस्वामी उम्र 4 वर्ष तथा अभिषेक गिरी पुत्र शंभू गिरी उम्र 22 वर्ष सवार थे। यह सभी लोग असोलापुर फतेहपुर दिल्ली से यहां आए थे। सूचना पर थाना अध्यक्ष महेश नाथ महंत के नेतृत्व में पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और स्कॉर्पियो व सवारियों को जनता की मदद से सकुशल निकालकर गंतव्य को रवाना किया गया।